इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। अलग बिंद की मांग को लेकर नारायण त्रिपाठी ने एक नई पार्टी बना ली। अब बात बिंद के बनाने की हो रही है। उन्होंने कई प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए। हमारी टीम ने सिरमौर के प्रत्याशी मनोज सिंह बघेल से बात की, जानने समझने की कोशिश की आखिर उन्होंने नई पार्टी ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना, जबकि वो उसी इलाके के रहने वाले हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार के पिता टीचर थे, लोगों को बेहतर शिक्षा दिया करते थे। राजनीति में क्यों आए और बिंद की बात क्यों कर रहे हैं, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। कि आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जी नई पार्टी से ही? जी, हमने नई पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया कि यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल हैं सिर्फ बिंद का नाम लेते हैं, लेकिन बिंद की को आगे कैसे ले जा सकते हैं, यहाँ का विकास कैसे कर सकते हैं, ये कोई सोचता नहीं है। ये हमारे विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक पंडित नारायण त्रिपाठी जी की सोच के देखते हुए हम उनके साथ शामिल हुए हैं और उनकी जो सोच है वो कई लोग बोलते तो हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। और जो हमारी पार्टी का उदय हुआ है विंध्य जनता पार्टी, ये विंध्य की मांग कर रहा है कि हमारा विंध्य हमें वापस दे दो। और हमें नहीं मालूम कि और जो राजनेता हैं उनको पुराना बिंद क्षेत्र कहाँ तक था, क्या था, मुझे आइडिया नहीं कि उनको पता है कि नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो जानकारी है बिंद प्रदेश की, तो यही है कि प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, इधर बांदा, झांसी, इधर आपका दतिया, टीकमगढ़, आपका सिंगरौली, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, इधर कटनी, काफ़ी बड़ा एरिया था। इधर जो आज के तारीख में आप कोरिया बोलते हो वो सब पूरा विंध्य प्रदेश में था। तो हमारी मांग विंध्य प्रदेश को लेके ही है, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं जी, लेकिन जी। आपके संस्थापक अध्यक्ष जी ने जब ये मांग की तो उनको बड़ी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या है ना, जब वो आदमी कोई सही काम करता है ना, हमारा एक नेता ऐसा नेता है, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई एक उनका व्यवसाय बताइए आप जो उनके नाम पे हो, कोई पेट्रोल पंप हो, कोई खदान हो। और बाकी हमें किसी को दूसरे के बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को स्वयं पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो काम करने वाला, जो दिल से काम करने वाला होता है ना, उसको इसी तरह धक्के मार के निकाला जाता है, क्योंकि वो सुनता नहीं है किसी की, दिमाग से काम नहीं लेता। मेरा जो नेता वो दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है। सिरमौर में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या मुद्दे होंगे और आपका मुकाबला सीधे बीजेपी से? देखिए, हमारा सिरमौर के लिए एक ही मुद्दा है कि सिरमौर का सुव्यवस्थित और समुचित विकास, ये हमारा मुद्दा है। और यहाँ के नेतागण जो हैं, यहाँ की जनता को ऐसा भ्रमित कर दिया है कि जो उनको चाहिए उसकी मांग नहीं रखते हैं वो, उनको पटवारी, यहाँ की जनता क्या बोलती है, क्योंकि उस हिसाब से एजुकेट नहीं किए गए हैं। तो हमारे को पटवारी काम नहीं दे रहा है, RI मेरा काम नहीं कर रहा है, SDM साहब नहीं सुन रहे हैं, TI साहब परेशान कर रहे हैं, बस इतने में ख़त्म हो गई। एक कुएं के अंदर डाल दिया यहाँ के नेताओं ने और ख़त्म। जबकि जनता की मांग ये होनी चाहिए, हमारे भैया सड़कें हमारी ठीक बनवा दी, यहाँ नहीं बनी है। अभी लूक भनगमा एक गांव है, मैं काफ़ी पहले जाया करता था तो मुझे लगा कि नहीं यार बन गया होगा। जब हमारे कार्यकर्ता गए तो लूक भनगमा जाते समय बूटी टोला, 16 टोला का गाँव है, आप बिलीव करेंगे 20 फुट का ऐसा पतला सा रोड है और 10 फीट इधर उधर खुदा है और गाड़ी ऐसे जगह में, वो बिल्कुल चंबल घाटी टाइप वाले एरिया, अगर आप गए होंगे तो उधर तरफ वाले में गड़ेहरा हो गया, लू भनगवा, तो मतलब गाड़ी का ऐसी स्थिति कि साइकिल भी नहीं जा सकती। और एक वहाँ एक राम मिलन पाठक जी हैं, उनके घर जाने के लिए साइकिल भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है 5 किलोमीटर।
ऐसी तो सड़कें बनवाई और ऐसा विकास। अभी मैं एक दिन घूम रहा था तो उनकी प्रचार वाहन निकला तो उनने बोला हम सड़कें बनवाएंगे, तो मैंने 10 साल में वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमने सड़कें नहीं बनवाई। अगर आप अभी बोल रहे हो सड़कें बनवाएंगे 10 साल रहने के बाद, तो आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपने सड़कें नहीं बनवाई हैं। तो यहाँ पे कहना चाहिए कोई नेता, हम तो ये जनता को बोलना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम विंध्य प्रदेश अलग कर लेंगे, तो जो आप ये रोजगार मांग रहे पुलिस कचहरी तो बहुत छोटी चीजें, कोई सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस चीज को करा सकता है, उसके लिए किसी नेता की जरूरत नहीं, एक जनप्रतिनिधि भी करा सकता है। जनप्रतिनिधि का मतलब नेता नहीं होता, जनप्रतिनिधि का मतलब जिसको जन लोग सम्मान दें, जिसकी बात सुने और उसका अपना ऐसा व्यवहार इन सब संस्थाओं में हो, सरकारी ऑफिसों में, कि भैया उसको बोल के रिक्वेस्ट करके करा सके, ऐसा जरूरी है। नेता बनेंगे या जनप्रतिनिधि? नहीं, मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, मैं बन गया हूं जनप्रतिनिधि, चुनाव जीतने से थोड़ी कोई हमको नेता नहीं, मैं जनप्रतिनिधि बन गया हूँ। हमें जनप्रतिनिधि किसी के बनाने से, मैं स्वयं मुझे जनता ने जनप्रतिनिधि बना दिया है अपना, रिजल्ट कुछ भी हो। आपका किससे मुकाबला है आपके क्षेत्र में? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम किसी से मुकाबले करने लायक नहीं, जनता मुकाबला करेगी उनसे, जनता का और बाकी पार्टियों का मुकाबला है, हम थोड़ी मुकाबला कर रहे हैं। हम एक वो राजा हैं, हम प्रजा हैं, हम उनके दीवान रहन है, पता नहीं जो उनका अपना भजन के एरिया बतान दिव्यराज जी के नॉलेज में है जी कि नहीं है, हम यह नहीं पता है, लेकिन हम उनका दीवान रहन है तो हमका पता है, उनके पूर्वजन से हम कई बार यह चीजन का हमार पूर्वज रहे कहीं, लेकिन वो क्या नहीं टाइम मिल पावा उनका। अब क्या है ना, राजा का काम है राज करना और प्रतिनिधि रखना, जिसको अपने परिवार के लिए समय नहीं है, आदमी घर में माँ बाप होते हैं एक्सपायर करते हैं, तो भाई आदमी भाई इसके लिए भी समय नहीं है, उसमें उसका दोष नहीं है उनका और चीजों के, वो क्या है जो प्रजा को काम करना चाहिए, उनके प्रतिनिधि के जैसे हम दीवान रखे हैं वैसे रखे चाहिए। तो अभी नए तो समझ नहीं पाए, तो उनने खुद बुलाया हमें, दबाव डलवाया मेरे ऊपर कि चुनाव लड़वाइए इनको, जरूरी है, तो हमका बुलाएं कि आपको लड़ना है। क्या उनके बीच में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं कि वहां तक जनता पहुंच ही नहीं पाती है, हम तो प्रजा है, उनका तो हम जनता के बीच में है, तो सब जनता हमसे सीधे हमारे बीच में क्यों नहीं आए? विंध्य प्रदेश बना के क्या करेंगे हम वो बता रहे हैं, हमारा ये सोचना है कि अगर भी जब भी गवर्नमेंट वो करे तो हमारे जो जिले हैं बनाए हैं आपने विंध्य एरिया के, भी तो प्रदेश हुए नहीं, तो मैं विंध्य प्रदेश क्यों बोलूँ, विंध्य बोल रहा हूँ, तो महाकौशल में कटनी तक थे ही हम, थोड़ा हमें महाकौशल का और जो भी गवर्नमेंट का अपना पटवारी सिस्टम से नाप जोक करा थे ना, तो कहके बता दिए इतना है। तो हम कहा कि भाई नए नए पैदा हो रहे हैं, पार्टी हमारा भाई बराव नहीं भाया है भाई, अब हम जनता की गोदी में खेल रहे हैं, खिला रही है हमका बहुत अच्छे से खिला रही है, भाई नवजात बच्चा होता है हर रिश्तेदार परिवार के, सगले रिश्तेदार परिवार खिला रहे हैं, है ना। चुनाव जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है, हमारा लक्ष्य है विंध्य प्रदेश बनाना, तो ये भाई अलग कर दो हमको, ठीक है, अलग नहीं कर रहे हो तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। फिर जहाँ तक हमें जानकारी है, हम इस ज्यादा उसमें राजनीतिक उसमें नहीं रहे, नॉर्मल व्यक्ति के रूप में, कि अगर 100 रुपये मध्य प्रदेश सरकार को मिलता है तो 60 रुपये आपके मालवांचल से आता है जहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है, बाकी पूरा का पूरा 40% विंध्य एरिया से जाता है, क्योंकि हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें हैं। तो मैं हम पहले बोलेंगे कि कुछ हमें दीजिए भाई, हम कहते हैं अगर वो दुर्योधन ही हो गए कि सुई का नोक नहीं देना है हमें, तो भी हमें अलग कर दो, हो सकता है हम 2-3 साल लड़खड़ाएं, लेकिन हम संभाल लेंगे क्योंकि हमारे पास खुद के इतने संसाधन हैं। और जहां तक रही रोजगार की बात, तो जितने ये बड़े बड़े व्यापारी जो कभी स्कूटर में कोयले की दलाली किया करते थे, आज इतनी बड़ी बड़ी फर्म है, मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ के नेता, यहाँ जब बाहर का स्कूटर चालक यहाँ आके इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, तो यहाँ से क्यों नहीं हुआ, किसकी कमी है, किसकी गलती है ये? तो जिस दिन ये होगा तो मैं ये नहीं करूँगा उनको भगा दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की पब्लिक उतनी इक्विप्ड नहीं है, उसमें भी जो अच्छे लोग रहेंगे जो उन कामों को कर सकते हैं, हम उनको धीरे से उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे, जब चीजों को सीख जाएंगे वो, तो फिर हमारे लिए रोजगार के वैसे और ऐसे उत्पन्न होंगे, माइनिंग का काम मिलेगा, हर काम में जो जिस लायक होगा उनको मांगने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप मिलेगा, और जितना छोटा प्रदेश उतना अच्छा ही विकास हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप हरियाणा ले लीजिए, देखिए आप जाइए हरियाणा, किसी अमेरिका से कम नहीं लगता है, गुड़गांव वगैरह एरिया कुछ। अभी छत्तीसगढ़ का देखिए, रायपुर पहले क्या था, क्या है रायपुर,
बस यही कहना था। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।